Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. तो आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शो यू माय वेडिंग शू कलेक्शन. और जो ये सारे शूज़ हैं ये कुछ मेरे घर की तरफ से थे और कुछ मेरे इन लॉज़ की तरफ से थे. तो सारे कलेक्टिवली शूज़ मैंने यहाँ पर रख ली हैं आप लोगों को दिखाने के लिए. और जो कि ब्राइड टू बीज़ हैं जिनकी शादी होने वाली है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बिकॉज़ आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस. क्योंकि जब मेरी शादी हुई तब जो है मैंने किसी से गाइडेंस नहीं ली थी, बस जो चीज़ मुझे पसंद आई वो मैं लेती जा रही थी. तो इसका जो है मुझे बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि कुछ शूज़ जो है मैंने इतने अनकम्फर्टेबल ले लिए थे कि वो मैंने एक बार पहनने के बाद तौबा कर ली और वो शूज़ मैंने दोबारा नहीं पहने. तो जो ब्राइड टू बीज़ है मैं आप लोगों को ये एक मशवरा दूंगी कि वो चीज़ें परचेज़ करें जो कि लॉन्ग टर्म चलें, मतलब आप लोग शादी के बाद उसको पहनते जाएं, आपका वेट गेन हो जाए या आप जो है वो आपके बेबीज़ हो जाएं फिर भी आप लोग वो चीज़ें पहनें. तो ऐसी चीज़ें आप लोग परचेज़ करें. अपने शूज़ कलेक्शन में आप लोगों ने कुछ जूते जो है वो फ्लैट ले लेने और कुछ जो है आप लोग हील में ले लें, क्योंकि शादी के फ़ौरन बाद शॉपिंग नहीं की जाती. तो अगर आपके पास फ्लैट भी होंगे हील्स में भी होंगे तो वो बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि शादी के बाद दावतें भी होती हैं, घूमना फिरना भी होता है. तो शूज़ जो है वो ज़रा सोच समझ के लें, क्योंकि मैंने जो है काफ़ी गलतियाँ की हैं. तो मैं आप लोग इस वीडियो में आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ जूते ऐसे हैं मेरे पास जो कि मैंने एक बार भी नहीं पहने, वो एज इट इज़ ऐसे ही रखे हैं कलर्स की वजह से. ठीक है, क्योंकि दो तीन कलर के मेरे पास सेम कलर के दो तीन जूते हो गए, इसलिए जो है वो मुझसे पहने नहीं गए. तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों ने थोड़ी चीज़ें लेनी है और किस किस कलर की लेनी है, कितने कितने फ्लैट लेने हैं, कितनी कितनी हील लेनी है, और मतलब किस स्टाइल के आप जूते ज़्यादा प्रेफर करने हैं और हील्स की कौन सी रखनी है आपने. ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी शादी के और अपने रिसेप्शन के मतलब दोनों की शूज़ आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अपनी शादी के और वलीमे के जूते आप लोग इस तरह ले सकते हैं, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. मेरी शादी के और वलीमे के बेस्ट जूते थे और वो मुझे बहुत पसंद हैं वो जूते. तो वीडियो करते हैं स्टार्ट. अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा. अब चलते हैं जी वीडियो की तरफ. शूज़ दिखाने से पहले मैं आप लोगों को ये बॉक्स दिखा दूँ जिसको मैंने बहुत मेहनत से पैक किया था. मतलब जितने भी शादी के मेरे शूज़ थे सबको मैंने इस तरीके से रेड शीट में जो है वो पैक किया था, और उसके ऊपर से जो है इस तरीके से मैंने ट्रांसपेरेंट शीट लगा दी थी जिससे शूज़ भी नज़र आएँ और जो है वो पैक भी रहें. ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत प्यारी लगती हैं. अगर आप लोग करना चाहें अपने शूज़ को पैक तो आप इस तरीके से कर सकते हो. ये छोटा सा आइडिया जो है आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया. तो जी सबसे पहले जो मैं आपको शूज़ दिखाने लगी हूँ वो जी मेरा फेवरेट शूज़ है. हाँ ये सीन है कि इसको मैंने अभी तक नहीं पहना, क्योंकि ऐसे सेम कलर का शूज़ मेरे इन लॉज़ की तरफ से भी था तो वो तो मेरा पहना गया. ये मेरा एज इट इज़ रखा हुआ है, अब वो जैसे ही ख़राब होगा तो मैं फ़ौरन से इसको निकालूंगी. और ये जी शूज़ है मेरा डल गोल्ड कलर में. आप लोग जो है सबसे पहले कलर अपने लिस्ट में ऐड कर लें, डल गोल्ड कलर का आपने शूज़ ज़रूर लेना है, क्योंकि ये आपके बहुत से कपड़ों पर चलता है. शादी के बाद वैसे हमारी फैंसी कपड़े बहुत पहने जाते हैं तो उन फैंसी कपड़ों के साथ ये कलर बहुत चलता है. और इसकी हील बहुत मुनासिब सी है. ये शूज़ मैंने मेट्रो से लिया था और ये इनका मोस्ट सेलिंग आर्टिकल था, तो जैसे ही मैं इनके आउटलेट पर गई थी मुझे बड़ा पसंद आया था, मैंने इसको परचेज़ कर लिया था. तो जो जो शूज़ आपको कहूँगी मैं कि आप लोग ये कलर ज़रूर लीजिएगा, तो आप लोग जो है वो लिस्ट बना लें, उस कलर के शूज़ आपने ज़रूर लेने, क्योंकि वो बहुत काम आते हैं आप लोगों के. ठीक है, उसके बाद ये आ जाते हैं ये रेड कलर के शूज़ मेरे, और ये मैंने लिए थे चेज़ से, जो कराची में चेज़ है जेल चुरंगी वाला, मैंने ये वहाँ से परचेज़ किए थे. और ये इंतहाई खूबसूरत जूते हैं, आप लोग देख सकते हैं रेड कलर के शूज़ हैं और उसके ऊपर ये ग्रे कलर के पर्ल्स लगे हुए हैं इसके ओवरऑल. और अब जी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी हील. डिज़ाइन इसका बहुत प्यारा है और ये पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं, बट आप इसकी हील देखें, ये इतनी कोई ख़तरनाक हील है और इतना कोई अनकंफर्टेबल जूता है ये कि मैंने सिर्फ इसको एक बार पहना और जिस फंक्शन में मैं गई थी इसको पहन के मैं उस फंक्शन में सिर्फ बैठी रही हूँ, क्योंकि चलने की मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी. इसकी हील बहुत अनकंफर्टेबल है. आप लोग जो है ना पेंसिल हील को स्किप किया करें, पेंसिल हील को ना परचेज़ किया करें. हाँ जिन लोगों को पहनना बहुत पसंद है हील तो वो परचेज़ कर सकते हैं, और मे बी वो कंफर्टेबल होते हों पेंसिल हील में, बट मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती और मैं प्रेफर भी नहीं करती कि कोई पेंसिल हील लें. हाँ जो आप लोगों के ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे शूज़ ना लें जो कि आप लोगों को बार बार पहनने और आप लोगों के जो है वो फिर पहने ना जाए, क्योंकि रेड कलर काफ़ी बेसिक कलर है और चलता भी है, पहना भी जाता है. तो सिर्फ इस हील की वजह से मैं इस शूज़ को दोबारा कभी नहीं पहनूंगी. मैंने इस शूज़ को सिर्फ डिज़ाइन और कलर देख के लिया था और कंफर्ट मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी, इसलिए जो है ये शूज़ मेरा साइड पे हो जाता है.
उसके बाद जी आ गया ये शूज़ मेरा, जो कि मेरा फेवरेट है और पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है, पाँव में बहुत सूट करता है ये शूज़। और इसकी हील भी बड़ी मुनासिब सी हील है, क्योंकि स्क्वायर हील है, वैसे मेरी फेवरेट है स्क्वायर, और ये कंफर्टेबल भी बहुत है। और जिसके ऊपर ये गोल्डन स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, ये बहुत प्यारा लुक देती हैं शूज़ में। और ये जिंक कलर है, आप लोग चाहें ये कलर ऐड करना तो आप लोग ऐड कर सकते हैं अपने कलेक्शन में, अदरवाइज़ आप लोग ना भी लें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि गोल्डन सिल्वर और जो है वो कॉपर वैसे ही होती है, तो उससे आप लोग काम चला सकते हैं, ये कलर लेना इतना कंपलसरी नहीं है। तो मुझे बहुत प्यारा लगा था ये, मैंने लिया था जी तारिक रोड से, किसी शॉप से लिया था, मुझे शॉप का नाम याद नहीं है, और ये मुझे बड़े प्यारे से लगे थे तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया, और ये कम्फर्टेबल भी बहुत है शूज़। नेक्स्ट ये शूज़ मेरे पास हैं कॉपर कलर के, और ये बड़े स्टाइलिश से बड़े फैंसी शूज़ हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर जो है वो हाथ का काम हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये फैंसी कपड़ों के साथ बहुत प्यारे लगते हैं, और सबसे प्यारी मुझे इसकी हील लगती है, बहुत डिफरेंट सी इसकी हील है, डिज़ाइनिंग वाली हील, और ये आपके फैंसी कपड़ों के साथ बहुत प्यारे शूज़ लगते हैं। ये जी लिए थे फर्स्ट स्टेप से मैंने, और इसके ऊपर जो काम हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ। इस शूज़ का जो कट है ना वो बहुत प्यारा है, आप ये देखें, मतलब ये काफ़ी डिफरेंट सा मुझे जो है वो डिज़ाइन लगा शूज़ का, और आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर स्टोन्स का जो है वो काम हुआ है। मैंने रिसेंट अभी मैं एक वेडिंग पे गई थी और मैंने वहाँ पे ये शूज़ पहना था, और मुझे कॉम्प्लीमेंट भी मिले थे इस शूज़ के ऊपर कि आपके शूज़ बहुत प्यारे हैं, और ये पहनने में भी कम्फर्टेबल है। इसके ऊपर स्ट्रिप लगी हुई है जो कि पाँव को जो है वो मज़बूती से जो है वो फोल्ड करती है, और आप लोग जितना भी वॉक करो आप लोगों को तंग नहीं करती, और इसकी हील भी जो है वो काफ़ी मज़े की है। आप लोग अपनी शादी का कॉपर कलर का शूज़ भी एक लिएगा, क्योंकि ये फैंसी कपड़ों के साथ ये कलर बहुत चलता है। उसके बाद जी आ गए मेरे ये वाले पम्प्स, जो कि मैंने लिए थे शादी के बाद, अपनी फ़र्स्ट ईद पे मैंने जो शॉपिंग की थी उसमें लिए थे। इवन दो मुझे इस जो है कलर की नीड नहीं थी, बट फिर भी मुझे ये बहुत प्यारे लगे बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन। ये बिल्कुल सॉलिड शूज़ हैं, और इसके ऊपर सिर्फ एक स्ट्रिप लगी हुई है जिसके ऊपर स्टोन्स लगे हुए हैं, तो मुझे देखने में बहुत प्यारे लगे, और इसकी हील ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, तो इसलिए जो है मैंने परचेज़ कर लिए ये शूज़। और इसका कलर भी बहुत प्यारा है, ये जो है फ्रॉक्स के साथ और इवन दो अबाया के साथ ये बहुत प्यारे लगते हैं शूज़। मैं एक बार जो है अबाया के साथ इन शूज़ को पहन के गई थी, ये बहुत प्यारे लग रहे थे। तो अगर इस टाइप का डिज़ाइन आप लोगों को लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, ये आपको जो है वो डिज़ाइन काफ़ी शॉप्स पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी जो है वो फेमस डिज़ाइन है। और अगर आप लोग को पम्प्स पसंद हैं और आप लोग पम्प्स लवर हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस टाइप के शूज़ जो है वो बहुत प्यारे होते हैं। नेक्स्ट ही आ जाते हैं हमारे पास फ्लैट शूज़, जो कि सिल्वर कलर में मेरे, और आप लोगों ने अच्छा फ्लैट शूज़ भी इंक्लूड करने हैं अपने कलेक्शन में, सिर्फ हील नहीं लेनी, तीन चार अगर आपने हील ली तो आपने दो तीन फ्लैट ले लेना, ठीक है। फ्लैट से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल फ्लैट हो, इतनी कम से कम उसकी हील होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल फ्लैट होगा तो फिर वो हमारे पाँव बहुत दुख जाते हैं उन शूज़ में, तो इसलिए थोड़ी सी हील के साथ आप लोग ले लें, बट कम मेक श्योर कि वो शूज़ कम्फर्टेबल हों। ये मेरे फ्लैट में बहुत कम्फर्टेबल हैं, क्योंकि हर जगह आप लोग जो है वो हील नहीं पहन सकते, इसलिए अपने कलेक्शन में आप लोग फ्लैट शूज़ ज़रूर इंक्लूड कर लिएगा। उसके बाद जी हमारे पास ब्लू शूज़ आते हैं, जो कि वेलवेटी शूज़ है। ये पूरा जो शूज़ है ये वेलवेट का है, और ये मतलब काफ़ी मज़े का जो है वो आर्टिकल है मेरे पास, और इसकी जो है वो डबल सोल है। आप लोग को अगर इस टाइप की हील पसंद है तो आप लोग ले सकते हैं। मैं पहले बहुत डबल सोल के जूते पहना करती थी, खैर ये मेरी इन लॉज की तरफ से था शूज़, और ऑनेस्टली मैंने इसको अभी तक भी नहीं पहना, ये न्यू रखा हुआ है शूज़, कोई फंक्शन आएगा तो उसके साथ मैं पहनूंगी। ये लॉन के कपड़ों के नीचे भी जो है ना इस टाइप के शूज़ बड़े प्यारे लगते हैं, और डबल सोल जिसको पसंद है तो उन लोगों के लिए शूज़ जो है ये बड़ा प्यारा होगा। नेक्स्ट ये आ गए मेरे मोस्ट वॉर्न शूज़, जो कि शादी के बाद मैंने बहुत पहने हैं, और वो ये वाले हैं जो डल गोल्ड कलर की बात कर रही थी, वो यही शूज़ थे मेरे इन लॉज की तरफ से, तो ये मैंने पहन लिए। वो जो मेरा अपने घर का था वो ऐसे कैसे रखा हुआ है, ये मुझे बड़े प्यारे लगते हैं और ये बहुत कंफर्टेबल भी हैं, तो मैंने बहुत सी दावतों में और बहुत से फंक्शंस में इसको पहना है। इसकी हील जो है वो अगेन ब्लॉक हील है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को ये सेंटेंस याद हो गया होगा मेरा, और ये फर्स्ट स्टेप से थे। अच्छा, फर्स्ट स्टेप और स्टाइलों के पास जो है वो वेडिंग कलेक्शन बहुत अच्छी होती है, तो जो भी शॉपिंग करने का सोच रहे हैं वो फर्स्ट स्टेप को आप एक बार टच कर लें, और आप लोग एक बार जो है वो स्टाइलों को टच कर लें, यहाँ से आपकी बहुत सी शॉपिंग हो जाएगी। अच्छा, जो इस टाइप के शूज़ होते हैं ना आपके पम्प्स, उसके अंदर आप लोग हमेशा इस तरीके से रैपर डाल दिया करें, ताकि इसका डिज़ाइन जो है वो ख़राब ना हो। उसके बाद जी ये आ जाते हैं हमारे पास फ्लैट्स, इसके ऊपर हैंडवर्क हुआ हुआ है, ये बहुत मुझे पसंद आए थे। अच्छा, ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किए हैं, और शॉपिंग में मैंने आप लोगों को दिखाए भी होंगे ये शूज़, और मुझे हैंडवर्क के काम के ज़रा शूज़ जो है वो ज़्यादा पसंद है, और अगेन ये भी डल गोल्ड कलर के, बट ये फ्लैट्स हैं और ये मेरे बहुत पहने जाने हैं शूज़। और इसकी जो है ये अगेन स्टाइलों से लिए थे मैंने, इनकी रिसेंट सेल की हुई थी तो उससे मैंने परचेज़ किए थे। ये काफ़ी मज़े के हैं, इसकी हील आप लोग देख सकते हैं गोल्डन के साथ जो है इसकी हील है, और ये
दिखते कुछ इस तरीके से हैं। मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस किस को इस तरीके से हैंडवर्क के शूज़ पहनना पसंद है, और इस तरह जो हाथ के काम वाले या स्टोन्स वाले शूज़ होते हैं उसको आपने हमेशा इस तरीके से शॉपर में रखना है ताकि जो है वो ख़राब ना हो आपके शूज़ और ब्लैक भी ना हो। नेक्स्ट जो आते हैं हमारे मल्टी शूज़, जिसका वैसे मैंने नेम रखा हुआ है पटाखा शूज़ बिकॉज ऑफ ऑल द ब्राइट कलर्स। और ये शूज़ जो है वो लॉन के कपड़ों के साथ और लॉन्ग लॉन्ग आप लोगों ने कुर्ता पहना हुआ उसके साथ बड़े प्यारे लगते हैं इस टाइप के शूज़। और बीच में बड़ा फैशन भी आया था इस डिज़ाइन का, तो इसलिए ये मैंने आर्टिकल परचेज़ किया था। आप लोगों ने अच्छा क्या करना है, मल्टी कलर का शूज़ भी आप लोगों ने ज़रूर लेने हैं अपनी शादी पर, क्योंकि वो आपके फिर मोस्ट ऑफ़ द आउटफिट के साथ चल जाते हैं मल्टी कलर्स के शूज़। अगर आपके पास कोई ना कलर नहीं भी होता जूतों में तो आप लोग मल्टी कलर शूज़ पहन के उसको पेयर अप कर सकते हो, आपका जो है वो फंक्शन निकल जाता है। और ये शूज़ जो है वो मैंने स्टाइलो से लिए थे, इनका ये 3-4 कलर थे इस आर्टिकल में, बट मुझे ये ज़रा ज़्यादा प्यारा लगा क्योंकि ये बहुत ब्राइट शूज़ है, बहुत प्यारा शूज़ है ये। अब जी आती हूँ मैं सिल्वर की तरफ, और सिल्वर जो है मेरा इकलौता शूज़ है और वो भी मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है। आप मेरे काम चेक करें, मैंने सारे कलर के शूज़ अपनी शादी में ले लिए थे लेकिन सिल्वर कलर मैंने नहीं लिया। हाउ कैन आई फॉरगेट दिस कलर यार। और मुझे बाद में इतनी ज़रूरत पड़ी सिल्वर शूज़ की क्योंकि सारे कलर से मेरे पास सिल्वर नहीं था और सिल्वर कपड़े भी मेरे पास थे, तो पता नहीं क्यों मैंने बेवकूफ़ी की और मैंने सिल्वर कलर नहीं लिया था। आप लोगों ने सिल्वर कलर का शूज़ ज़रूर अपने जो है वो कलेक्शन में ऐड कर लेना है। ये जी मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया था, मेरी इब्राहिम की बर्थडे थी तो तब मैंने ये परचेज़ किया था, आप लोगों ने वो क्लिप देखी भी होगी। ये स्टाइलो से मैंने लिया था, ये इंतहाई अनकंफर्टेबल जूता है, मैं सच आपको बता रही हूँ। ये मैंने मैक्सी के साथ पहना था और मुझे बहुत चलना था और मैंने ये माइंड में नहीं रखा कि मुझे जो है वो कम्फर्ट मतलब दे रहा है शूज़ या नहीं दे रहा है। मेरे हस्बैंड ने अच्छा मुझे कहा कि आप ये शूज़ ना लें, ये इतना कंफर्टेबल मुझे नहीं लग रहा है, बट मैंने कहा नहीं, इसका डिज़ाइन आप देखिए ये बड़ा प्यारा लगेगा पहना हुआ। और जो है मैंने अगेन गलती कर ली, ये शूज़ मैंने पहना और मैं इतना चली थी कि मैं थक गई थी और एंड में मैंने शूज़ उतार के मैं विदाउट शूज़ घूमी हूँ हॉल में। आप लोगों ने वो क्लिप देखी होगी, अगर आप लोगों ने व्लॉग देखा है इब्राहिम की बर्थडे का, अगर आप लोगों ने देखना है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप लोग। एंड में मैंने शूज़ उतार के फेंक दिए थे और मैं जो है वो रिलैक्स होकर विदाउट शूज़ जो है वो बैठ गई थी, तो कंफर्ट भी आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। इसके बाद जी आ गया हमारे पास ये ग्रे शूज़ जो कि मैंने अभी परचेज़ किया था ईद पे, और ये शूज़ जो है वो वेलवेट का है। अभी तक जो है वो इस मतलब इस स्टाइल के आर्टिकल स्टाइलों पे आ रहे हैं, मतलब इस डिज़ाइन में यही सेम डिज़ाइन हील के साथ भी आ रहा है, विदाउट हील भी आ रहा है, मतलब काफ़ी आर्टिकल जो है वो स्टाइलों के इस डिज़ाइन के साथ हैं। और इसका जो फ्रंट क्लिप लगा हुआ है वो बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों से एक बात यहाँ पर ऐड करती चलूँ, जब भी आप लोग इस टाइप के शूज़ ले रहे हो ना, मतलब कि जिसका पूरा डिज़ाइन सिर्फ एक क्लिप के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो जो क्लिप हो वो प्लास्टिक का ना हो। क्योंकि 2-3 शूज़ मेरे पास ऐसे थे, एक वाइट कलर का बहुत फेवरेट शूज़ था मेरा, बट उसका क्लिप जो था वो प्लास्टिक का था, तो किसी ने गलती से मेरे पाँव के ऊपर पाँव रखा और वो क्लिप टूट गया और वो इतना गंदा बेरोन का जो है वो शूज़ हो गया कि फिर वो जो है मैंने किसी को दे दिया, वो मैंने नहीं पहना। तो आप लोगों ने ख्याल रखना है ऐसे जूते लेते हुए, आप लोगों ने क्लिप जो है वो चेक करके लेना है या फिर शूज़ को बहुत एहतियात से पहनना है। अब जी आ गए मेरे पास ये फ्लैट्स जो कि मैंने रिसेंटली आप लोगों से वीडियो में शेयर किए थे, जब मैंने शॉपिंग की थी स्टाइल की सेल से तब मैंने ये परचेज़ किए थे। ये कोल्हापुरी स्टाइल में है और कोल्हापुरी तो वैसे भी बहुत प्यारे लगती है फ्रॉक्स के साथ, लॉन के कपड़ों के साथ। और ये जी इसमें 2 कलर से रेड था ब्लैक था, बट मुझे ये ब्लैक बड़ा प्यारा लगा इसलिए मैंने ले लिया। और वैसे भी मुझे फ्लैट्स चप्पलों की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि बाहर जाने में आप लोग हील नहीं पहन सकते, इसलिए जितने फ्लैट हों आपके पास उतने कम लगते हैं। और इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट ये जो है वो स्लीपर है। तो आप लोग अगर आप लोग स्लीपर ले रहे हैं मतलब प्लेन फ्लैट ले रहे हैं तो एक ब्लैक कलर में भी ले लीजिएगा, क्योंकि फिर वो जो है आपके बहुत चलते हैं ब्लैक कलर में। अब जी आ जाते हैं हमारे स्नीकर्स, और आप लोग को ज़रूर ऐड करनी चाहिए ये भी अपनी कलेक्शन में। और पता नहीं क्यों बताते हुए ये मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है, मतलब कि कोई भी जो है वो अपने ब्राइडल कलेक्शन में आई डोंट थिंक के जो है वो स्नीकर्स ऐड करता होगा, बट मैं आपको मशवरा दूँ आप लोगों को ज़रूर ऐड करनी चाहिए। अगर आप लोग जो है वो जीन शर्ट पहनते हो, क्योंकि शादी के बाद आप लोग सी साइड भी जाते हो और घूमने फिरने भी जाते हो, तो अगर आप लोग एक सिर्फ रख लोगे ना स्नीकर तो आप लोगों की बहुत हेल्प हो जाती है। फॉर सपोज़ आप लोग किसी जो है वो हाइकिंग वाली जगह पर जा रहे हो शादी के बाद, तो फिर ये ज़रा प्यारे लगते हैं, आप स्नीकर्स होते हैं तो आपकी हेल्प हो जाती है, फिर आपको रैंडमली जो है वो भागना नहीं पड़ता लेने के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हो तो अपनी कलेक्शन में स्नीकर्स भी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मतलब कर लो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बाद में घूमने फिरने जाने में फिर बहुत ईजी हो जाता है। और ये मेरे फेवरेट स्नीकर्स हैं क्योंकि इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है, ये
डल गोल्ड के साथ जो है इसका टच है स्नीकर्स का, और जो है साइड्स में ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इसकी। ये बहुत प्यारे कंफर्टेबल शूज़ हैं। ये रहे जी मेरे एंगेजमेंट के शूज़, जो कि मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में शेयर किए थे। लास्ट वीडियो में मैंने अपनी पूरी एंगेजमेंट की शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर की हुई, अपनी ज्वेलरी, अपना ड्रेस और शूज़ सब कुछ शेयर किया हुआ। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके लास्ट वीडियो मेरी देख लीजिएगा, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल भी हो सकती है। सही है। अब जी फाइनली मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ अपने शादी के और अपने वलीमे के जूते। और सबसे पहले हम लोग शादी के देख लेते हैं। शादी के शूज़ जो हैं वो मैंने बहुत सोच समझ के लिए थे। वैसे मैंने नॉर्मली शूज़ जो मुझे पसंद आए वो मैंने ले लिए, बट शादी के शूज़ जो थे वो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने सोच समझ के लिए थे। और ये आप लोग देख सकते हैं, इसके ऊपर जो है वो स्टोन्स का और दक्के का काम हुआ है। और ये शूज़ बहुत प्यारा है रियल में देखने में, तो ये और भी ज़्यादा प्यारा है। मे बी ये बहुत बड़े दिन का, मतलब मेरी शादी के दिन का जूता है, इसलिए मुझे ज़्यादा प्यार हो इस शूज़ से। बट ये ओवरऑल बहुत प्यारा और बहुत कंफर्टेबल शूज़ है। आप इसकी हील देख सकते हो, इसकी बहुत ही मुनासिब हील है और अगेन स्क्वायर हील है। आप लोगों ने कभी भी अपनी शादी में या अपने वलीमे में पेंसिल हील नहीं पहननी, क्योंकि वो बैलेंस आउट करती है पेंसिल हील। और अगर आप लोगों का आउटडोर फंक्शन है तो आप लोगों ने जो है वो बिल्कुल जो है बैठ जाना है, मतलब चलने फिरने से आप लोग जो है वो रह जाओगे। पेंसिल हील इतना बुरा हाल कर देती है आप लोगों का, क्योंकि ऑब्वियसली हमें फ़ोटोशूट करवाना होता है। बहुत से लोग कहते हैं दुल्हनों ने सिर्फ बैठना होता है, तो आजकल के दुल्हनों ने बैठना नहीं होता, उन लोगों ने फ़ोटोशूट करवाना होता है, जगह जगह पे जाना होता है फ़ोटोशूट के लिए। तो आप लोग अपना बड़ा दिन ख़राब ना किएगा, आप लोग जो है वो कंफर्टेबल शूज़ पहनिएगा, स्क्वायर हील ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने हील ज़्यादा ही पहनी है तो आप लोग डबल सोल की हील ले लीजिएगा, पेंसिल हील को आप लोग स्किप किएगा। मेरा तो आप लोगों के साथ यही मशवरा है। और आज भी जो है वो मैंने पाँव में मेहंदी लगाई हुई है, और ये शूज़ जब मैंने पहने तो मुझे अगेन वो अपनी वेडिंग डे वाली वाइब याद आ गई। और ये रहे जी मेरे वलीमे के शूज़, जो कि ये भी बहुत प्यारे हैं और अगेन प्लस ये भी बहुत कंफर्टेबल हैं। फ्रंट से ये बिल्कुल प्लेन है, और जी सारा कमाल जो है वो इसके पीछे है। ये देखिए जी, जो इसका पीछे जो कवर है वो फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, फुल काम उसके ऊपर हुआ हुआ है। और आप लोग ये देख सकते हैं, कैमरे में इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, यस, बट रियल में देखने में ये बहुत प्यारे शूज़ है। और इसकी सबसे ज़्यादा हील बहुत प्यारी है। और मैंने अपने मदर इन लॉ को बोल दिया था कि काइंडली आप जो है मेरे स्क्वायर हील लीजिएगा, पेंसिल हील मेरी बिल्कुल नहीं लीजिएगा, क्योंकि मेरी वलीमे की मैक्सी बहुत हैवी थी, और अगर मेरी पेंसिल हील होती तो मैंने जो तो है वो पता नहीं क्या होना था मेरे साथ। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये हील थी, तो इसलिए मैं बच गई। और ये कंफर्टेबल भी बहुत शूज़ है, और मैंने 3-4 बार ये शूज़ पहना भी है अपनी शादी के बाद। और मैंने आप लोगों को दिखा दिया अपनी शादी का शूज़ भी और वलीमे के शूज़ भी। अब ये टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग जो है वो किस टाइप के जूते लेते हो। अगर आप लोग मेरी मानेंगे तो आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, अदरवाइज़ आप लोगों को जो आपके बड़े कहें आप वो भी कर सकते हो, और जो फैशन के अकॉर्डिंग भी आप लोग चीज़ परचेज़ कर सकते हो। बट ये शूज़ जो है वो बहुत प्यारे हैं, और इस टाइप के शूज़ जो है वो फर्स्ट स्टेप से आप लोगों को ईजिली मिल जाएंगे। अच्छा, सारी शॉपिंग जो थी ना मेरे शूज़ की वो मोस्टली मैंने डॉलमन मॉल से की थी, या फिर फर्स्ट स्टेप से, डॉलमन मॉल में जो फर्स्ट स्टेप का आउटलेट है वहाँ से की थी, या फिर जो है मैंने स्टाइलो से की थी। तो आप लोग जो अपने हिसाब से कर सकते हो, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दिया। तो जी ये आप लोगों को सारे शूज़ दिखा दिए मैंने अपने, और बहुत ज़्यादा रूम में जो है वो फैलावा हो चुका है, सब जगह जूते जूते हो गए। अब मैं इन सब चीज़ों का जो है वो समेट के रखूँगी। और कुछ शूज़ तो अभी मेरे ऐसे हैं जो कि मैंने आप लोगों को नहीं दिखाए, क्योंकि वो मेरे बहुत यूज़ हो चुके हैं शूज़, वो मैंने पहन पहन के जो है वो पूरे कर दिए हैं शूज़, तो इसलिए वो मैंने नहीं दिखाए। ये ज़रा अच्छे जूते थे जो कि दिखाने के लायक थे, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिए। अब जी सारी चीज़ों को मैं समेटूँगी, जगह पर रखूँगी, और अब बस मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने और कोई कलेक्शन देखनी है, मतलब मेरी शूज़ कलेक्शन आप लोगों ने देख लिया, बैग्स कलेक्शन देखनी है, ड्रेसेस कलेक्शन देखनी है, ज्वेलरी कलेक्शन या मेकअप कलेक्शन, बहुत से ऑप्शंस मैंने आप लोगों को दे दिए। अगर आप लोगों को कुछ भी नेक्स्ट वीडियो में देखना है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं उस चीज़ से रिलेटेड ही बना दूँगी। ठीक है, तो जी अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।